उन्होंने कहा मैं सीनियर्स में पटना राजीव मिश्रा बोल रहा हूँ, जहानाबाद पहुँचने वाली एक ट्रेन उसमें बॉम्ब रखा हुआ है। तो इन्होंने कहा कि जैन क्या, तो उन्होंने वो उसने कॉल करने वाले बोला कि जैन वगैरह छोड़ो, सबसे पहले तुम ट्रेन चेक करवाओ, ट्रेन और जितने भी सर्कुलेटिंग एरिया है, जो भी पार्किंग स्पेस है, जो टॉयलेट है, जो भी जगह है उसको हम लोग लगातार 13 तारीख से ही सघन चेकिंग हमारी चल रही है गया में, पटना में, जहानाबाद, सभी महत्वपूर्ण स्टेशन पे और सभी महत्वपूर्ण ट्रेनों में की जा रही है। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, बिहार के जहानाबाद जिले की GRP पुलिस को फोन कर एक शातिर ने ये कहा कि मैं पटना का SSP राजीव मिश्रा बोल रहा हूँ, पटना गया मेमू में बम है, उड़ाने की धमकी दे डाला। देखिए पटना जंक्शन को उड़ाने के बाद अब पटना के जहानाबाद में जो ट्रेन चलती है पटना से गया, हर दिन मेमू चलती है, पैसेंजर चलती है, लाखों लोग हर दिन आवाजाही करते हैं, और ऐसे में पटना रेल SP का बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए पटना रेल SP ने अभी इस बात की जानकारी दी है कि महज कुछ देर पहले पटना SSP बनकर एक व्यक्ति कॉल करता है और कॉल करके बोलता है कि इस ट्रेन को उड़ा दिया जाएगा, इस ट्रेन में बम है। क्या कुछ कह रहे हैं पटना रेल SP अमृतेंदु शेखर ठाकुर, सबसे पहले आप इस वीडियो में सुनिए। और कहा गया कि अभी मैं सीनियर SP राजीव मिश्रा बोल रहा हूँ पटना, और अभी जो ट्रेन जहानाबाद पहुँचने वाली है उसमें बॉम्ब रखा हुआ है। इस सूचना के आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए जहानाबाद SHO के द्वारा जब देखा गया तो पीछे से 33-38 पटना गया मेमू स्पेशल ट्रेन तुरंत ही जहानाबाद से निकली थी और वो आगे बढ़ गई थी। वो ट्रेन जब पटना जंक्शन पहुंची है तो उस ट्रेन को हम लोगों ने पूरा सर्च किया, डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड, RPF और GRP की पूरी टीम ने उसको सर्च किया है, कोई भी आपत्तिजनक सामान उसे बरामद नहीं हुआ है। और जो नंबर जिससे कॉल किया गया है उस पर हम लोग सघन वो नंबर, उसके बाद जहाँ SHO ने ये कॉम्प्लायंस करके फ़ोन किया उस नंबर पर, जब उसको सच बात मानते हुए तो वो नंबर बंद पाया गया। जब हम लोग उसका तकनीकी विश्लेषण कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई किया जाएगी, विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कितने बजे कॉल आया था सर? 1:30 बजे, 1.5 घंटा के पहले की है सूचना, एग्जैक्ट बता दें। कितना देर सर्च ऑपरेशन चला है? सर्च ऑपरेशन ट्रेन पहुंचने के बाद 15 से 20 मिनट चला है, और उसमें कोई सर, ये जहानाबाद SHO को फोन कब गया? फोन लगभग 12 बजे, पटना SSP के नाम पर। हाँ, पटना SSP राजीव मिश्रा बोले कि हम बोल रहे हैं, तो इन्होंने रिस्पॉन्ड किया, जय हिंद करके रिस्पॉन्ड किया, और इन्होंने त्वरित कार्रवाई की और उसके बाद देखा तो ट्रेन निकल गई, तो उन्होंने तुरंत सबको सूचना दी। यहाँ ट्रेन क्या कुछ कहा आपको? उन्होंने कहा मैं सीनियर SP पटना राजीव मिश्रा बोल रहा हूँ, जहानाबाद पहुँचने वाली एक ट्रेन उसमें बॉम्ब रखा हुआ है। तो इन्होंने कहा कि जैन क्या, तो उन्होंने वो उसने कॉल करने वाले बोला कि जैन वगैरह छोड़ो, सबसे पहले तुम ट्रेन चेक करवाओ। तो इस बात को सच मानते हुए जहानाबाद SHO मनु कुमार ने तुरंत रश किए प्लेटफॉर्म पे, तो देखा कि तुरंत ही एक ट्रेन मेमू स्पेशल निकली 33-38, उन्होंने तुरंत सभी जगह सूचना दिया और फिर कॉल बैक किया उस नंबर पे ये बताने के लिए कि उनके द्वारा ये कार्रवाई की गई है सच मानते हुए, तो वो बंद पाया गया नंबर। और उसके बाद फिर हम लोग उसको थॉरो चेक करवाया है पटना जंक्शन पहुँचने के बाद ट्रेन को, और उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल सामान बरामद नहीं हुआ। कहाँ से कहाँ आ रही थी ट्रेन? गया से पटना आ रही थी 33-38 मेमू स्पेशल। हाँ, पटना गया मेमू स्पेशल 33-38। हाँ, हम लोग नहीं, हम लोग स्पेसिफिक ये ट्रेन का कि तुरंत पहुंचने वाली उसको किया गया है, लेकिन हम लोग सघन चेकिंग सभी स्टेशनों के, सभी ट्रेन और जितने भी सर्कुलेटिंग एरिया है, जो भी पार्किंग स्पेस है, जो टॉयलेट है, जो भी जगह है उसको हम लोग लगातार 13 तारीख से ही सघन चेकिंग हमारी चल रही है गया में, पटना में, जहानाबाद, सभी महत्वपूर्ण स्टेशन पे और सभी महत्वपूर्ण ट्रेनों में की जा रही है। हाँ, पहली बार भी प्रेम प्रसंग वाला मामला आया था, जो पहले था जिसमें डिटेक्शन हुआ था, जेल भेजे गए थे, और इस बार भी आया है तो विधि विरुद्ध पकड़े गए हैं। और इस मामले को अभी इस स्थिति में मैं कुछ कहा नहीं सकता, लेकिन उस पर कार्रवाई की जाएगी, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। छानबीन कहाँ तक पहुँचा सर? अभी जस्ट प्रिलिमिनरी है, तो अभी हम बताने की स्थिति में नहीं है, अभी उस पर कार्य चल रहा है तेजी से। तो आपने सुना है कि किस तरीके से पटना रेल पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। देखिए पटना रेल पुलिस को जो सूचना मिलती है और सूचना में ये कहा जाता है कि मैं पटना का SSP राजीव मिश्रा बोल रहा हूँ, पटना गया मेमू में बम रखा है और उड़ाने की धमकी दे डालता है। देखिए पटना रेल प्रशासन में, जहानाबाद रेल प्रशासन में, GRP में हड़कंप मचा है, पूरे ट्रेन को खंगाला जा रहा है, अलग अलग
बॉम्ब स्क्वाड की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो पटना जंक्शन पर पहुंच चुकी है। पटना रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।